जय माता दी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ श्री दुर्गा सप्तशती पाठ से प्रथम अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटप का वध। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंती का बीज अग्नि तत् और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र में जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटप को मारने के लिए कमल जन्मा। ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवी का मैं स्तवन करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग चक्र गदा वाण धनुष परिघ शूल कुशुंडी मस्तक पर शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की क्रांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्ण जो 8वें मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है, स्वरोचित मनवंतर के सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र पंच में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने और से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोल विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी ही प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सुरथ में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि में से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उन पर महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण होता चला गया, इसलिए उनके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथियार लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विपुरवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से वहां रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनिश्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर वहां से इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृतगण उनकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा उनकी मद की वर्षा कराने वाले और शूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किस भोग को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपवयी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा खजाना भी खाली हो गया होगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विपुरवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई पड़ते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री की और स्वजनों की कुशलता है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे कुशल से रहते हैं अथवा कोई कष्ट है? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए? राजन ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुरुष आदि के धन के कारण घर से बाहर निकाल दिया उनके प्रति तुम्हारे चित्त इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह पति के प्रति प्रेम तथा आत्मजन के प्रति अनुराग को तेजांजलि दे दी है मुझे घर से निकाल दिया है उन्हीं के प्रति मेरा हृदय में इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है ये क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है तो भी उसके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो रहा। पता इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायकूलन विनय पूर्वक वर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप करना आरम्भ कर दिया। राजा ने कहा,
भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बतलाइए। मेरा चित अपने अधीन ना होने के कारण वह बात मेरे मन को दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए कि वह मेरा नहीं है, अज्ञान की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है, यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और मृत्यु ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उसके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उसके विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में से जो मोह पैदा हो रहा है, ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इनमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान तथा सब जीवों का है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं दिखते, दूसरे रात में नहीं दिखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। ये सब ठीक है, किंतु मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही एक ऐसे नहीं है, पशु पक्षी और मृग आदि भी सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उस उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्य की होती है वैसी ही उन मृग पक्षियों आदि की होती है, तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही होती है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल देते हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा रखते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार में स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं, इसलिए इनमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर, भगवान विष्णु की योग निद्रा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति दिलाने के लिए वरदान देती है। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका अभिभाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं, संपूर्ण जगत उन्हीं का है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त करके रखा है, तथापि उनका प्रकटय अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक वर्ण में निमग्न हो रहा था, तब सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटक के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ कर दिया, जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुकंपा शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, त्वमी स्वहा, त्वमी स्वधा, तुम्ही वश्चाकार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम्ही जीवन दायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणा में आकर उकार मकार आदि तीन मात्राओं के रूप में भी तुम ही स्थित हो। इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु स्वरूपा नित्य अर्ध मात्रा है, उनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुम्हें इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है तथा सदा तुम्ही इस कल्प के अंत को सबका अपना ग्रास बना लेती हो। जग जननी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि स्वरूपा हो, पालन काल में स्थिति स्वरूपा हो और कल्पांतर के समय संहार स्वरूपा धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही हिरी और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि,
शांति और समाधि तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूप तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली बाण, शुंडी और परिघ, ये सब तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की उपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत जो भी वस्तुएं हैं, उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत के सृष्टि पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी आपने निद्रा के मुंह में डाल दिया। तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किस में है। देवी, तुम तो अपने इन उदर प्रभावों से प्रशंसित होइए। जो दोनों असुर मधु और कैटभ, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान के नेत्र से मुख, नासिका का बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि में समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एक वर्ण के जल में शेष नाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए भगवान विष्णु से कहने लगे, तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी से क्या वर लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाला। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुम इनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ से दूसरा अध्याय, देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महाकाली देवता उष्टिक चंद्र शकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व तथा यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इनका विनियोग किया है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर मारा गया था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों को परास्त हो गई थी, परंतु संपूर्ण देवताओं की जीत कर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार को छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। देवताओं की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है। अब हम आप सबकी शरण में आए हैं, उनके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने देवताओं पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भुवें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्र पाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी भारी तेज उत्पन्न हुआ। यह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वालायमान सा पर्वत सा दिखाई पड़ रहा था। देवताओं ने देखा कि वहां उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज को कहीं भी
किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और उन्होंने अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उनसे उन देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल निकले। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का तथा इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उन देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीन नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भुएं संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का अभिभाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र में से एक चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने उन्हें धनुष और बाण आदि भरे हुए दो तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र त्रुपन उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा भी उन्हें प्रदान किया। यमराज ने कालदंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया, सूर्य ने देवी के समस्त रोम रोम में किरणों का तेज भर दिया, काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी, शिव समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी न जीर्ण होने वाले दो दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल, कड़े उज्ज्वल आदि चंद्र तथा बाहुओं के लिए केवूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र, अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाली मालाएं दी। जल्द ही ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान का पात्र दिया। संपूर्ण नागों के राजा शेषनाग ने इस पृथ्वी को धारण करते हुए उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार जब अन्य देवताओं भी आभूषण भेंट और अस्त्र देकर देवी का सम्मान किया, तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्ठास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उज्ज्वल स्वर से किया हुआ सिंहनाद कभी समा न सका। आकाश उनके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उनके प्रति जो भी प्रतिध्वनि जोरदार प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगी। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भगवती से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण देवताओं को शोकग्रस्त देख दैत्य गण अपनी समस्त सेनाओं को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह ये क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों को घेरकर उस सिंहनाद की लक्ष्य की ओर दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देखा कि जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी, उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट के में आकाश से रेखा खींची जा रही थी तथा वह अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुभ्ध किए देती थी। देवी अपनी हजार भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्रों से प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्वासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुर्गणी सेना साथ लेकर चावर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक दैत्य भी लड़ने लगा। 1,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक दैत्य महादैत्य ने लोहा लिया। 1,000,000 रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिनकी रोएं तलवार के समान तीखी थी। 60,000 रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उनकी संपूर्ण भूमियों से लड़ने लगा। नामक राक्षस परिवातिक नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के साथ अनेक दलों तथा 1,00,000 रथियों सहित सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5,000,000 रथियों के साथ घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य राक्षस हाथी और घोड़ों की सेना लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ था। वह दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंद, पाल, शक्ति, मुशल,
खड़ग परशु और पटिश आदि अस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ देवताओं ने उन पर शक्ति प्रहार किया और कुछ लोगों ने उन्हें पाश फेंके तथा कुछ लोगों द्वारा खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया गया। देवी ने भी क्रोध में भड़कर संपूर्ण खेलों को अपने अस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र काट दिए। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट रंच मात्र भी नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का महान सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दवानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने विश्वास छोड़े हुए तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हुए और परशु बिंदपाल खड़ग और पटिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सम्मान करने लगे। देवी की शक्ति के बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उन संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी के त्रिशूल से गदे से शक्ति की वर्षा और खड्ग आदि के साथ सैकड़ों महादित्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत तेरे दैत्यों को पास से बांधकर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार के मार से दो टुकड़े हो गए। कितने ही दैत्य गर्दन की चोट से घायल हो गए, धरती पर गिर गए। कितने ही मुसल की मार से अत्यंत आघात होकर वामन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी को ढेर हो गए। उस शरणागत ब्रह्मा बाण समूह की वृष्टि करने लगे। असुरों की उस कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले दैविक पिंडक देवी गण बाज की तरह झपटने वाले देवी पिंडक दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों ही देवी को एक बाह एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में देवी ने चीर डाला। कितने ही दैत्य के मस्तक कट जाने पर भी गिरकर उठ जाते और केवल धड़ के रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति और रिष्ट लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ हाथी घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसे पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी घोड़े और असुरों के शरीर में इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि वह थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों को विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काट के भारी ढेर को भी आग कुछ देर में ही नष्ट कर डालती है। और वहाँ सी भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर से गर्जन करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहाँ देवी के गण ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवता गण भी उन पर बहुत प्रसन्न हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में शारवणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में महर्षि महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। जय माता दी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ श्री दुर्गा सप्तशती पार्श्व तृतीय अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्री अंगों की क्रांति उदय काल के सहस्रों सूर्य के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुनमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों से शोभित मुखाबिंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा हुआ है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ऋषि कहते हैं दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्चुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों तथा सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से भीड़ डाला। धनुष रथ घोड़े और सारथी से नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर
देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें कर उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस ने शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादेव चिकचूर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस पराक्रमी चिकचूर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभाव प्रभाव करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। वह अपने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत में क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के से मारा गया और कराल भी दांतों मुखों थपड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल डाला। भिंदपाल ने वाष्पकल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्यों को भी मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को थुथुन से मार डाला, किन्हीं के ऊपर खोलों का प्रहार करके किन्हीं किन्हीं को पूछ से चोट पहुंचाकर कुछ को सिंगों से विदीर्ण करके कुछ गणों को वेग से किन्हीं को सिंहनाद से कुछ को चक्कर देकर अपने कितने ही निश्वास वायु के झोंके से धराशाही कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महाप्रकर्मी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को कुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा और गर्जने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुभ्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलाते हुए सिंह से आघात से विदीर्ण हो बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध दिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई त्यों ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी भेद डाला। इतने में वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडी का बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वे बल और पराक्रम से मद से उत्पन्न उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मोर, जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर उसने अपने पैर से उसे दबाकर उसको सूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैरों से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से अभी आधे शरीर का ही बाहर निकला पाया था कि देवी ने उस अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्व राज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में शार्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ।
चौथा अध्याय इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। सिद्धि की इच्छा रखने वाला पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवी जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्रीअंगों की आभा काले मेघ के समान है। वे अपने कटाक्ष से शत्रु समूह को भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर अबाध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र के पाण और त्रिशूल धारण करती है। उनके तीन नेत्र है। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तन वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदय ही जिनका स्वरूप है। जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी और महादेव जी भी सामर्थ्य नहीं है। वे भगवती चंडिका का संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाला भारी पराक्रम का समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्गुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पा सकते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यक्ता प्राप्त प्रकृति है। देवी संपूर्ण यज्ञों में जिनके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं वह सुधा सुहा आप ही हैं। इसके आप ही पितरों की भी है। अतएव सब लोग आप सबको स्वधा भी कहते हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है। समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व की सार वस्तु मानने वाला था मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला मुनिजन इनका अभ्यास करते हैं विभक्ति परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा है अत्यंत निर्मल ऋग्वेद यजुर्वेद और उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का सार आप ही हैं। आप देवी त्रयी और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा नाश करने वाली हैं। देवी जिसके समस्त शत्रुओं का सार ज्ञान होता है वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से शोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल से चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई मोह के कारण विकराल हो उठा तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए यह उसे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हो। यह सब बात अनुभव में आई है क्योंकि महिषासुर की विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली देवी आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता। वे अपने हिष्ट पुष्ट स्त्री और पुत्र भृत्यों के साथ धन धान्य माने जाते हैं। देवी आपकी कृपा से पुणात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सब प्रकार के धर्मकुल कर्म करता हुआ उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आपको तीनों लोक में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली है। मां दुर्गे आस्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उसने परम कल्याण बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सब पर सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता है। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले ता ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे इस संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाए निश्चय यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हो। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हो समस्त असुरों को दृष्टिपात्र मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती। इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र
प्रभावित होकर उत्तम लोक में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम है। खड़क के तेज पुंज की भयंकर दीप्त से तथा उनके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चंद्रिया पर ज्योत्सु की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही ये रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता, इसकी कभी दूसरों से तुलना नहीं की जा सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो सब देवताओं का भी नाश करने वाला है, जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके हैं। इस प्रकार आपने शत्रु पर भी अपनी दया प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना नहीं की जा सकती, और शत्रु को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप आपके सिवा और कहां है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोक में भीतर केवल आपके अंदर दिखाई देती है। माता, आपने शत्रु पर नाश करके इस समस्त लोके की रक्षा की है। उन शत्रुओं की भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया तथा उत्तम दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों को भय से दूर किया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप सूर्य से वाई रक्षा करें, अमृत के आप खड़क से वाई रक्षा करें, घंटा की ध्वनि और धनुष के टंकार से हम लोगों की रक्षा करें, चंडी के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें, तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोगों में आपके जो सुंदर परम सुंदर अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी रक्षा करें। इस भूलोक की रक्षा करें अम्बिके, आपके कर पल्वों में शोभा पाने वाले खड़क शूल गदा आदि जो जो अस्त्र हैं, सबके द्वारा आप हमारी रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की, तब नंदन वन के दिव्य पुरुषों एवं गंध चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया। तब सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दिया, कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें वर देना चाहती हैं, तो जब जब हम आपका स्मरण करें, तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों की महान संकट को दूर कर दिया करें, तथा प्रसन्नमुखी अम्बिके, जो मनुष्य इस स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं, वे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ उनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं से अंतर ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई है। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट देवताओं तथा शुभ निशुम का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर में जिस प्रकार प्रकट हुई थी, सब प्रसंग मेरे मुँह से सुनो, मैं उसको तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य शक्राधिक स्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। पांचवा अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुन के मुख से अम्बिके के रूप की प्रशंसा सुनकर शुम्भ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। ओम, इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता है, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र में पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। जो अपने कर कमलों में घंटा शूल हल शंख मुख मुसल चक्र धनुष और बाण धारण करती है, शरद ऋतु की शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर क्रांति है, जो तीनों लोकों की आधार भूता और शुम्भ तथा देवताओं का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकटय हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करती हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुम्भ और निशुम्भ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीन लोगों का राज्य छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य चंद्रमा कुबेर यम और वरुण के अधिकारक का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का भी कार्य वे ही करने लगे। उन दोनों ने जब देवताओं को अपमानित राज्य भ्रष्ट पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों ने तिरस्कृत देवताओं से अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर तुम्हारी रक्षा करूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय के पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार है, नित्य गौरी धात्री को बारम्बार नमस्कार है, ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली विधि करने वाली सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, नैतिक कृति राजाओं की लक्ष्मी सावर्णी स्वरूपा तथा जगदम्बा को हम बार बार नमस्कार करते हैं, दुर्गा दुर्गपरा सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूमा देवी को सर्वदा नमस्कार है, अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारम्बार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति
देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों विष्णु माया रूप से नाम से जानी जाती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाई है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में सुधा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृद्धि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से तुष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्र वर्ग की अधिष्ठाती देवी कही जाती हैं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहती है वह व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिसकी स्तुति की देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन स्तवन किया वह कल्याण की साधना ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे और सारी आपत्तियों का नाश करे। उदर्ण दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल की संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। इसी कहते हैं राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहाँ आई। उन सुंदर भूम वाली भगवती ने देवताओं से पूछा आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उन्हीं के शरीर से प्रकाश प्रकट हुई शिवा देवी बोली शुंभ दैत्यों से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता ये मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिका कही जाती है। कौशिका के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया अतः वे हिमालय पर रहने लगी कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदनंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आया और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री जो अपनी दिव्य क्रांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा। असुरेश्वर पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले आइए। स्त्रियों में तो वह रत्न है उनका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है आप उसे देख सकते हैं प्रभु। तीनों लोगों में मणि हाथी घोड़े आदि जितने भी रत्न है वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्न बुध ऐरावत यह परिजात का वृक्ष और यह उच्च श्रवा घोड़ा यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुड़ा हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्न बहुत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किजांजलि नामक माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और इनके कमल कभी कुमलाते नहीं है। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था वह भी आपके पास मौजूद है। दैतेश्वर मृत्यु की उत्क्रांत निंदा वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश समुद्र में रहने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि से भी स्वतः युद्ध शुद्ध छीन लिए हैं। दो वस्त्र आपकी सेवा में समर्पित किए हैं दैत्यराज। इस प्रकार सभी रत्न आपके पास मौजूद है फिर जो यह स्त्री रत्न रूप कल्याण में देवी है आप इसे क्यों नहीं अपने अधिकार में ले लेते। ऋषि कहते हैं चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादित्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवों के पास भेजा और कहा तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के निकट रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में बोला
बोला दूत बोला देवी दैत्यराज तुम इस समय तीनों लोगों के परमेश्वर है। मैं उन्हीं के यहाँ का दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा देवताओं एवं देवता भी मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं करता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी शक्ति के अधीन है। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोगों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वह सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथियों के रत्न के समान मैंने छीन लिया है। शिव सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्च श्रेय में प्रकट हुआ है उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़ा देखकर समर्पित कर दिया है। सुंदरी उसके सिवा और भी जितने रत्न पदार्थ दिखाई देते हैं गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे पास ही हैं। देवी हम लोग तुम्हें संसार की स्त्री में रत्न मानते हैं, अब तुम हमारे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी तुम मेरी यह मेरे भाई पराक्रम निशुंग की सेवा में आओ क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हारे तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं दूतों के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती देवी ने जो इस जगत की धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली देवी ने कहा दूत तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। सुम्ब तीनों लोगों का स्वामी है और निशुम्ब भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरा अभिमान को चूर कर देगा, संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुम्ब और महादैत्य निशुम्ब स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर ही मेरा पानी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला देवी तुम घमंड से भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोगों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुम निशुम के सामने खड़ा हो सके। देवी अन्य देवताओं के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर पाते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुम्भ आदि देवताओं के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुम्भ निशुम्भ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें प्रतिष्ठा को खोना पड़ेगा। देवी ने कहा तुम्हारा कहना ठीक है, शुम्भ बलवान है और निशुम्भ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं। मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने जो तुमसे कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वो जो कहते हैं उचित पड़ता है करना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वनिक मन्मंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक पांचवा अध्याय पूरा हुआ। छठा अध्याय धूम्र लोचन बद मैं सर ज्ञानेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोकृष्टा पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हुई हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनका देहला उद्रासित हो रहा है। सूर्य के समान उनका तेज है, तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला कुंभ कपाल और कमल लिए हुए तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं देवी का यह कथन सुनकर दूतों को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर समाचार विस्तार पूर्वक कहना है। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला धूम्रलोचन तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ लेकर जाओ और दुष्टा को केश पकड़कर घसीटते हुए से बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता रक्ष देवता यक्ष अथवा गंधर्व भी क्यों ना हो उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं सुम के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 अश्वों की सेना लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा अरे तू शुम्भ निशुम्भ के पास चल, यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झूठा पकड़कर घर चिटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली तुम्हें दैत्य के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी और दौड़ा और अम्बिके हूं शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अम्बिके ने एक दूसरे पर तीखे सायों को शक्ति और फरसों की वर्षा करना आरंभ कर दिया। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसके कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों को महादैत्यों को पटक पटक कर होठों की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने सिंह के अपने नखों से कितने के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाली और अपनी गर्दन के बालों को हिलाते हुए दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के भान उस महावली सिंह ने क्षण भर में ही तुरंत असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला।
सुम ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है, उसके सींग के सारा सफाया कर दिया, तो उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ, उसका ओट कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादेवताओं को आज्ञा दी, हे चंड हे मुंड, तुम लोग सब बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ, देवी के छाटे पकड़कर बहुत बांधकर शीघ्र यहाँ पर लेके आओ। यदि इस प्रकार उसके लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार से अस्त्रों शस्त्रों तथा समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उनकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ही लेकर लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी माता में धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय पूरा हुआ। सातवां अध्याय चंड मुंड बध। मैं मातांगी देवी का ध्यान करती हूँ, वह रतन में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्ण श्याम है, वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। वे कहार पुष्पों की माला धारण किए हुए वीणा बजाती है। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए, हाथ में शंख में पात्र लिए हुए है। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और लाट में वेदी शोभा पा रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंग की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि देते चतुर्गणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण ऊंचे शिखरों पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने के लिए उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भुहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थे। वे विचित्र खड़ग वांग धारण किए हुए, चीते के चर्म की साड़ी पहनकर नर मुंडों की माला से भूषित थी। उनके शरीर की मांस सूख गया था, केवल हड्डियां का ढांचा था, जिसे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल एवं जीव लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई थी और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े देवताओं को करती हुए कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की ओर सेना पर टूट पड़ी और उनको क्षण भर में नष्ट कर दिया। वे पार्श्व राक्षसों, अंकुरधारी महाबतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इस प्रकार घोड़े रथ सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी के पैरों से कोचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती। वे असुरों के छोटे बड़े असुरों को मुंह में पकड़ लेती और रोम में भरकर उनको दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की सारी सेना रौंद डाली और खा डाली। कितनों को मार गया, कोई तलवार से काट उतारे, कोई खड्ग वार से पीट गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचलकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। देखकर चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा था। महादेव मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बाण चलाए हुए चक्रों से भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के भीतर मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हैं। तब भयंकर गर्जना करने वाले काली ने अत्यंत रोशन भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन से भीतर से कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों के प्रभाव से अत्यंत उज्जवल दिखाई दे रही। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसकी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मरा देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मरा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुम और निशुम का वध स्वयं ही करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए चंड मुंड नामक महादेवताओं को देखकर कल्याण में चंडिका ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वनिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में चंड मुंड नामक वध का सातवां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ श्री दुर्गा सप्तशती पाठ से अष्टम अध्याय रक्त बीज वध। मैं अरणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी को ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहर लहरा रही है तथा हाथों में पाश अंकुश बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दे दी। वह बोला, आज
उदय युद्ध नाम से 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कम्भू नाम वाले दैत्यों ने 84 सेना नायक अपनी वहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दुहाद्र, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज सुम इस प्रकार आज्ञा दे सहस्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच भाग गुंजा दिया। राजन तदंतर देव के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया और इस प्रकार वह विजयिनी हुई। उस तुमूल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन इसी बीच असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिनका देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन ठीक वैसा ही साधनों से संपन्न हो उनकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमल कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए महानाग का कंकन पहने मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित वह आप पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं के रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, शंख, नाद, धनुष और खड़ग हाथ लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वारह के रूप में धारण करने वाले श्री हरि जो शक्ति हैं वह भी वारह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति भी नृसिंह के नाम से शरीर धारण करके वहां आई। उनकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। उनके भी सहस्त्र नेत्र इंद्र जैसा रूप था वैसा ही उनका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेवी जी ने चंडिका से कहा मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडी शक्ति प्रकट हुई जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने लगी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उस अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनको भी यह संदेश दीजिए दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ मेरी शिवाय तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था इसलिए वह शिव दूती के नाम से भी संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्यों भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उसकी ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अर्मश से भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार और छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों चलाए हुए बाण शूल शक्ति और वर्षों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल से प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खड़ग वांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्मा जी भी जिस जिस और दौड़ती, ब्राह्मणी भी जिस जिस और दौड़ती उसी उसी और कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति ने वज्र प्रहार करके विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वारह शक्ति जित कितनों को अपनी थूथन की मार से नष्ट कर दिया। दानों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली। कितने ही दैत्य उनकी चक्र की चोट से विदीर्ण हो गिर पड़े। नरसिंह भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं और आकाश को गुंजा देती युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिव दूति के प्रचंड अट्टाहस से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़ते। गिरने पर उन्हें शिव दूति ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन
करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से प्रीत दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की एक बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब एंद्री ने उनके अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सारा रक्त चूने लगा और उसी के समान बहुत सारे पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की बूंदें गिरती उतने ही पुरुष उत्पन्न हो जाते। वे सब रक्तबीज के नाम से वीरवान बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने के कारण पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हो गया तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया और एंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा की चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्रों महादैत्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वारही ने खड़क से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को दास देव चंडिके ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे रक्तपात से गिरने वाले शक्ति बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती रहो और रण में बिचरती रहो। ऐसा करने से उस महादैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाएगा और स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगे तब तुम्हें दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने उसके अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया किंतु उस गदा पात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सारा रक्त गिरा किंतु ज्यों ही वह रक्त गिरा त्यों ही चामुंडे ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें काली ने खा लिया और रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्तबीज को जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया वज बाण खड्ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन इस प्रकार शास्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उदत साहो नित्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में रक्तबीज नामक वध 8वां अध्याय पूरा हुआ। 9वां अध्याय निशुंभ वध। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेती हूँ। उनका वर्ण बंधु पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वे अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला पास अंकुश और वरद मुद्रा धारण करती हैं। अर्धचंद्र उनका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाली देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म मुझे बतलाया है। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की कोई सीमा ना रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाते देख शुंभ अर्मश में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध में ओट चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अनेक सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिके को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की वर्षा वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका देवी ने अपने बाणों के समूह से तुरंत ही काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्य सेनापतियों के अंगों में चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने शुभ नामक वाण से शुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी जिसके 8 चांद जड़े हुए थे खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब दोनों निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया किंतु देवी ने समीप आने पर उसने भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गए। तदंतर दैत्यराज शुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया।
उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वे आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी आठ अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का अत्यंत दुस्साहस शब्द किया। साथ ही उसने अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों को तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तंत्र सिंह ने भी अपनी दहाड़ से जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मर्दन चूर हो जाता था आकाश पृथ्वी और दसों दिशाओं में गूंज गया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उसे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिसे पहले कभी नहीं हुआ था। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा कि ओ दुरात्मा खड़ा रहे, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उन शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठा। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुआ जिससे अन्य शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों ने शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजार टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्र से प्रहार कर चंडिका को आच्छादित कर दिया और दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडिका ने तीखी धार वाली तलवार से उसके गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाला शुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली और महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठाकर मारकर हंस पड़ी और खटक से उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तंत्र सिंह ने अपने दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली और शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण करना आरम्भ कर दिया। कुमारी की शक्ति से विदीर्ण हो कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज हो कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। बाराई के थुथन से आघात से कितनों को पृथ्वी पर कचुम्बर निकाल डाला। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री ने हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूति और सी के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य निशुंभ वध नामक नवा अध्याय पूरा हुआ।